हेलो दोस्तों, हिंदी युग भाई वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी यह कक्षा जो नाटक श्रृंखला चली है उसकी तीसरा भाग है। इसमें हम भारतेंदु युग, जो पिछली कक्षा थी उसमें भारतेंदु युग के नाटक और नाटककार के बारे में चर्चा की थी, आज यह उसका दूसरा भाग है। पिछली कक्षा में हमने भारतेंदु युग के लक्ष्मण सिंह, गणेश कवि, शीतला प्रसाद त्रिपाठी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के बारे में चर्चा की थी। और जो आज की कक्षा है इसमें भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण जो नाटककार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पिछली कक्षा और ये कक्षा, ये दोनों कक्षा महत्वपूर्ण हैं, इनको प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो रह जाएगा वो अगले भाग में बनेगा, और वो जो महत्वपूर्ण है तो ये दो ही हैं। उसमें जो रह जाएंगे, आजकल परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी छोड़ना असंभव हो चुका है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं लाला श्रीनिवास, जो हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा में पहले उपन्यासकार माने जाते हैं। 1882 में इनका पहला उपन्यास माना जाता है, ठीक है। 1882 में जो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी इनकी पहली रचना जो नाटक है 1877 में, जो रणधीर प्रेम मोहिनी है वो नाटक हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। और यह नाटक अंग्रेजी नाटक के रोमियो एंड जूलियट के अनुकरण पर लिखा गया था। और इसमें पाटन के राजकुमार और सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा या कहानी को चित्रित किया गया है। तप्ता संवरण 1883 ईस्वी में, संयोगिता स्वयंवर 1886 में, प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी में। उसके बाद राधा कृष्ण दास हैं दुखनी बाला, अब ऐसे याद कर सकते हैं राधा कृष्ण दुखनी बाला, दुखनी बाला 80 में है। महारानी पद्मावती 1883 में, तो दुखनी बाला कौन है? महारानी पद्मावती। इस तरह सीक्वेंस में लगा लीजिए, अगर सन नहीं याद होते हैं तो सीधा आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं होती। और धर्मपाल 85 में, और महाराणा प्रताप सिंह या राजस्थान केसरी 1897 में। अब धर्म का पालन करते हैं महाराणा प्रताप, तो हमें ये पता लग गया कि धर्मपाल पहले आएगा फिर आएगा महाराणा प्रताप, दुखनी बाला पहले आएगा फिर आएगा महाराणा पद्मावती। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और जो महाराणा प्रताप नाटक है राधा कृष्ण दास का, उसको डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहला ना हिंदी जो भारतेंदु युग है उसका एकमात्र ऐतिहासिक नाटक माना है, ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह जो नाटक है डॉक्टर नागेंद्र ने उसे भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक माना है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। बद्री नारायण चौधरी प्रेमकंद भारत सौभाग्य 1888 में, प्रयाग रामागमन 1904 में, वृद्ध विलाप और वीरांगना रहस्य अधूरा है इनका नाटक। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं, इनके जो महत्वपूर्ण आपने करने हैं वो ये तो जरूर करें, जैसे रेल का विकट खेल, ठीक है, प्रश्न शैली का है, इसको एकांकी मान सकते हैं। वृहलला है, अर्जुन जो अज्ञातवास में थे तो उस वक्त उन्होंने वृहलला के रूप में एक वर्ष बिताया था। वेणी संहार है, ये आपने करना, रेल का विकट खेल, वृहलला, वेणी संहार और कलेराज की सभा और बाल विवाह, ये तो आपने जरूर याद करना है। इसके अलावा इनके संपूर्ण नाटकों को देखते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम 1877 ईस्वी में, प्रहसन शैली का है, नई रोशनी का विष 1884 में, नल दमयंती स्वयंवर 1895 में, वृहलला जो महत्वपूर्ण आपने याद कई बार आ चुका है ये है, वेणी संहार 1909 में, कलेराज की सभा प्रहसन शैली का, रेल का विकट खेल प्रहसन शैली का है, बाल विवाह प्रहसन शैली का, आचार विडम्बन 1899। अब कई बार हमें सन नहीं याद होते, जैसे इसमें हमें पता है वेणी संहार 1909 में, और इससे पहले जो हमने पढ़े हैं जैसे नल दमयंती, आचार विडम्बन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, ये 1800 के उसमें है। और वेणी चार ऑप्शन में वेणी संहार सबसे लास्ट में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, तो कई बार हम इस तरह भी हमारे जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रश्न ठीक करने की। तो एक दो अगला याद कर लीजिए, अगर सन नहीं याद हो रहे एक दो पिछले के याद कर लीजिए, तीन चार कर लीजिए काफ़ी रह जाता है अगर आपके, नहीं तो पूरे करना तो सबसे बेस्ट है, अगर वो नहीं होता तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगर टफ पेपर होता है ना बहुत ज़्यादा टफ, उसमें फंसते हैं कि उसमें बिल्कुल ही वो देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर में तो आप एक दो देख के ही आंसर उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए राधा चरण गोस्वामी, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे, जो 1886 में राधा चरण गोस्वामी ने लिखा था, ये पर स्त्री गमन पर व्यंग्य किया था, ठीक है, जब पर स्त्री गमन पर व्यंग्य किया गया था। अब सती चंद्रावली, अब देखिए एक श्री चंद्रावली भी है, किसका? भारतेंदु जी का, श्री चंद्रावली भारतेंदु जी का है, जो 1836 ईस्वी में, और ये प्रेम भक्ति का चित्रण था इसमें श्री चंद्रावली में, प्रेम भक्ति का, तो ये आप ये याद रखें। और राधा चरण गोस्वामी ने सती चंद्रावली के 1890 में, अमर सिंह राठौर 1895 में, भंग तरंग 1892 में, राधा चरण गोस्वामी का भंग तरंग 1892 में, तनमंधन गोसाई जी का अर्पण, ये जो धर्म गुरु हैं उस वक्त की पाखंडता का इन्होंने चित्रण किया इस नाटक में। देखिए उस वक्त भी होता था धर्म गुरुओं का और आज भी है, तो सब युग में असली भी होता है नकली भी होता है, वो हमारे जो बुद्धि है उस पर निर्भर करता है कि हम क्या निर्णय लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र इसमें गो संकट, अब देखना एक दो नाटक आते हैं इसमें,
प्रताप नारायण मिश्र का गो संकट क्या है? इसमें देखिए बीच में जो दो एक क्या है हाइफन दिया, और इसमें गो संकट ये अंबिका दत्त व्यास का भी है RCS में, ठीक है। वैसे तो जो ये है अगर आए तो अंबिका दत्त व्यास के ही रहेगा गो संकट, ठीक है। तो कई बार ये दे देते हैं इसमें, तो आप अगर ऑप्शन में ना हो तो प्रताप नारायण मिश्र करना। उसके बाद देखिए कलि कौतिक रूपक 1886 में, हमीरठ संगीत शाकुंतल भारत दुर्दशा 1902 में। अब भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु जी की भी है 1880 में, 1880 में भारतेंदु जी का है, लस्य है, प्रबोध चंद्रोदय शैली में लिखा गया और पहला राजनीतिक नाटक माना गया भारत दुर्दशा भारतेंदु का, तो आप ये याद रखना। और प्रताप नारायण मिश्र का भी है जो 1902 में लिखा था। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास का ललिता नाटिक का 1884 में, जो ललिता नाटिका एक तो आपने ये याद रखना है इसमें सबसे ज़्यादा, और एक भारत सौभाग्य 1887 ईस्वी में, ठीक है 1887 ईस्वी में। अब उसके बाद मन की उमंग, मन की उमंग है अंबिका दत्त व्यास का, और उसके बाद बाबू तोताराम का है विवाह विडंबन 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो आप ये याद रखना, इसमें जो हमारा जो कन्फ्यूजन करेगा वो गो संकट वाला है प्रताप नारायण मिश्र का और अंबिका दत्त व्यास का। जो गो संकट है ना इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप इसको रखना, मैं तो अगली क्लास में इसका देखूंगा, क्योंकि मुझे क्योंकि इसका क्वेश्चन आया कि गो संकट पर प्रताप नारायण मिश्र ने ही लिखा है, क्वेश्चन इस तरह पूछा भी किस किस रचनाकार ने गो संकट पर नाटक या रचना की है, तो प्रताप नारायण मिश्र ही है इसके। इनके तो जो अंबिका दत्त व्यास हैं ये ललिता नाटिका है भारत सौभाग्य, इनका मेन जो है ये दो ही ज़्यादा रहते हैं भारत सौभाग्य और ललिता नाटिका, ये गो संकट जो है प्रताप नारायण मिश्र का ही है, ठीक है। अब मिलते हैं, अगर आपको कक्षा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें, मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।